गणपती गजानन महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वास्तु भगवान की जय। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवान यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः सुजी। ओम मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम तिराचम्यः तीन बार जल पिएंगे। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। इति हस्तौ प्रक्षाल्य हातुल्याय श्रीकेशाय गोविंदाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्याः यजमान शिवाले तिलकम् कुर्यात्। ओम स्वस्ति नेन्द्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। तिलकम् स्वस्ति नयन सम्प्रोक्षेताः कङ्कणवन्दनम् कुर्याताः कारपरारम्भहेताः शान्ति पाठम् पठेयुः। आइए भगवान की भक्ति के कार्य में सर्वप्रथम हम शांति पाठ का श्रवण करते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं या हमारे घर पे कितनी भी धन संपदा अपार भरी हो परंतु यदि हमारे घर में शांति नहीं है या किसी विषय को लेकर आए दिन जो है बहस होती है या झगड़े होते हैं फाइटिंग होती है किसी विषय को लेकर तो उस घर में आनंदमय जीवन या वहाँ के लोग आनंदित नहीं रह सकते। उस कार्य में शांति अवश्य होना चाहिए। इसलिए जब पूजा करते हैं या पाठ करते हैं भगवान का कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी समय हो यदि आपके जीवन में शांति है तो समृद्धि है, शांति है तो समृद्धि है तो संतति है, संपत्ति है, उसी से आगे आगे हर सुख की फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान के सर्वप्रथम पूजन करने से पहले शांति पाठ को श्रवण कर लेते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादस्वा मारुतः पृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधि भुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरजगदसो विश्वेनो देवा आवसा गमन्निह भद्रं कर्णेभिः श्रणुयामदेवा भद्रं वस्ये माक्षभिर्यायत्राः स्थिरैरङ्गै दृष्ट्वाङ्गुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः सतामिन्नु सरधो अन्तिदेवा जतरानश्चक्रजरसन्तनूनां वा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिघतायुर्गन्तोः आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वेदेवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जनतमाद्यौः शान्तिरान्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः विश्वानि देव सविदुर्दुरितानि परासुवा जद्वदरन्तन्न आशुवः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु उपद्रव स्वीं नमस्तु प्रादुष्कारं समर्पयामि नमस्करोमि। लेफ्ट हाथ में चावल ले जाइएगा। जिन देवताओं को नमस्कार करने के लिए बोलूंगा उन देवताओं को नमस्कार करना है। किसी भी रास्ते में चलते हुए किसी को राम राम करना
या किसी को घर में बुलाकर आदर के साथ सम्मान करके बैठाना या फिर इसके बाद उसका स्वागत करना, यह सब अलग अलग अभिप्राय है। तो आपको भगवान को नमस्कार करना है। सर्वप्रथम भगवान गणपति महाराज को नमस्कार करेंगे। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान को नमस्कार करेंगे। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमापति शंकर भगवान को नमस्कार कीजिएगा। उमापति महेश्वराभ्याम नमः। वाणी देने वाली माँ सरस्वती को नमस्कार कीजिएगा। आपके कंठ में सुंदर सी वाणी आकर विराजमान हो, आपकी बाल के बच्चों में बुद्धि का जो है तो सुंदर सा विकास हो, ऐसे माते से प्रार्थना कीजिएगा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। देवताओं के राजा और इंद्र इंद्राणी को नमस्कार कीजिएगा। साचे पुंद्राभ्यो नमः। हर एक मनुष्य के अपने अपने इष्ट देवता होते हैं, अपना अपना एक जो है तो प्रिय देवता होता है, जिसे हम हर समय सुख हो या दुख हो, हर समय एक ही परमात्मा का ध्यान करते हैं, एक ही परमात्मा का मनन करते हैं। तो आपको जिसके ऊपर ज्यादा श्रद्धा है और ज्यादा विश्वास आप करते हैं, जिसका सुख या दुख में हर समय आप नाम लेते हैं। बहुत से लोग माता जगत जननी जगदम्बा को प्रधान के रूप में मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं, कोई गणपति महाराज को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आप जिस देवता पे ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, वह आपके इष्ट देवता है। ऐसे इष्ट देवता को आपको मन ही मन उनको नमस्कार करना है, उनसे प्रार्थना करना है, आग्रह करना है। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। आपके घर में कुल देवी माता या कुल देवताओं का पूजन होता है। हम कोई छोटा सा शुभ कार्य करें या कोई बड़ा सा शुभ कार्य करें, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें हम अपने कुल देवी देवताओं का अवश्य ध्यान करते हैं, या कभी ध्यान करें या ना करें, परंतु शादी विवाह में अत्यधिक हम उनका पूजन करते हैं। कभी कोई अड़चन ना आ सके, कोई ऐसी बाधाएं ना आ सके जिससे हमें हमारे कार्य में जो है तो रुकावट पैदा हो सके, उन कार्यों को करने से पहले हम कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हैं। तो आप यह जो कार्य कर रहे हैं आज, यह बहुत ही बड़ा शुभ कार्य है, तो अपने कुल देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम कुल देवी देवताभ्यो नमः। इसके बाद आप जिस क्षेत्र में रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, वहां के आसपास जो भी शिवालय है, जो भी टेंपल है, वहां के देवताओं का आप ध्यान करेंगे, क्योंकि वह ग्राम देवता कहलाते हैं। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। आपके माता पिता हैं तो माता पिता को चरण वंदन कीजिए, या पितृ देवता हैं तो उनका चरण बिंदुवन वंदन कीजिए, नहीं है तो पितृ देवताओं का चरण वंदन कीजिए। अपने माता पिता को, अपने पितृ देवताओं को नमस्कार कीजिएगा। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु देवता को नमस्कार कीजिएगा। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहितायां गणाधिपतये नमो नमः। हाथ जोड़िएगा, भगवान का मन में ओम गंग गणपतये नमः का मन ही मन जाप करिएगा। ओम सुमुखस्य कदंदस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यापते क्षुणयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते सुकलाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये
अभिवसिद्ध्यार्थ सिद्ध्यार्थम पूजितो यासुरासुरै सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नाश्रिते साम मंगलम् एषां हृदिस्तुतो भगवान् मंगलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चंद्रवलं तदेव विद्यावलं देववलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽग्नियुगस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः एषामिन्द्रियवरस्यामोर्धस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थोन धरोणधरा तत्र से विजया भूतिर्धुवानेतिर मतिर्मम अनन्या चिन्तयन्तो मा ये जना पारुपासते तेषां भ्योक्ता युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वे स्वारम्भकारेषु त्रयस्तु भुवनेश्वरः देवाधिसन्धुना सिद्धिर्ब्रह्मेशा च जनार्दनः विश्वे सम्मादवं दुण्डं दण्डपाणिं च वैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गा भवानी मरिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा विनायकं गुरुं मानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकारार्थ सिद्धये। सभी लोग बोलेंगे सर्व अर्थ कार्य लाभ सिद्धये। सर्व अर्थ कारार्थ सिद्धये श्रीमन् महागणाधिपतिर्नमः प्रादुष्कारं समर्पयामि नमस्करोमि हे हस्ते जलमादायाः अच्छत पुष्पाणि तस्मान् दक्षिणा द्रव्यम संकल्पम कुर्याता। चलिए आइए संकल्प करते हैं, भगवान का संकल्प करने जा रहे हैं। संकल्प किस चीज का करने जा रहे हैं, संकल्प का अर्थ क्या है, संकल्प किसे कहते हैं, यह जानना चाहिए। मन में किसी प्रकार की चेष्टा या किसी प्रकार की लग, किसी प्रकार का निश्चय करना या किसी मकसद तक पहुंचने के लिए आपके मन में एक विचार है कि जब तक यह मैं कार्य नहीं कर लूंगा तब तक जो है तो मैं शांति से जो बैठूंगा नहीं। मतलब आपके अंदर एक कठोरता दृढ़ निश्चय है कि मुझे यह कार्य करना है करना है, वह एक आपका संकल्प। जिस तरह आपने विचार किया कि भगवान वास्तु का पूजन हमें कराना है, तो आपने कई समय से विचार किया होगा कि वास्तु का पूजन कराना चाहते हैं, तो वह वास्तु पूजन का संकल्प होने जा रहा है। वास्तु पूजन क्यों कराते हैं या इसके कराने से क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, वास्तु पूजा कब कराना चाहिए, इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं। वास्तु एक मनुष्य का रूप है। कैसा है? मनुष्य का रूप है जो इस भूतल पर पृथ्वी पर चित्त मतलब उल्टा पड़ा हुआ है, जो कि हमारे घर में, ऑफिस में, दुकान में, कार्यालय में, कोई भी ऐसा घर है जिसमें कुछ ना कुछ वास्तु दोष अवश्य होता है। जब वास्तु दोष हमारे घर पे होते हैं तो सबसे पहली बात बिना वजह का जो हो तो घर में किसी ना किसी बात, छोटी छोटी सी बात को लेकर फाइटिंग होना, छोटी सी बात को लेकर जो है तो झगड़े कर लेना एक दूसरे से। दूसरा, हमारे कार्य में प्रोग्रेस ना होना। हम सुबह से शाम तक स्ट्रगल करते हैं, फिर घर पे जब हाउस पे रिटर्न आते हैं तो हमारे मन को एक सुकून और शांति
का अनुभव होना चाहिए, वह सुकून और शांति का अनुभव ना होना। हमारे घर में बहुत सी धन संपदा रखी हुई है, पैसा है, दौलत है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, तो पर भी हमें कुछ ना कुछ आनंद की आभूति नहीं हो रही। हमारे बाल बच्चों में मानसिक अपने आप तनाव बन रहे हैं, हमारे घर में अचानक कोई बीमार हो जाता है, कुछ समय बाद आप ट्रीटमेंट कराते हैं ठीक हो जाता है, फिर उसी तरह माह दो माह बाद फिर कोई ना कोई कारण बन जाता है, या बिना वजह किसी से बहस हो जाना बाहर जाकर। आपके घर में आपका किचन, आपका बेडरूम, आपका अलमारी, डाइनिंग टेबल, वॉशरूम, बाथरूम, ये सब किन किन दिशाओं में है, यदि इनका सही स्थान नहीं है उससे भी हमारे घर में वास्तु दोष होता है, जिससे हमारे जीवन में वास्तु दोष का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वास्तु की पूजन करने के लिए आपके मन में यमयम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, आपके मन में यह जो पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले श्रद्धाम विद्यते, आपकी श्रद्धा परमात्मा के प्रति होना चाहिए। श्रद्धाम विद्यते तम फलम विश्वदायकम, जब आपके मन में श्रद्धा होगी भगवान के प्रति कि मैं जो है तो भगवान का पूजन कर रहा हूं या सुन रहा हूं या देख रहा हूं, तो अवश्य उस फल की प्राप्ति आपको होगी। आपका मनन, आपका देह, जब तक आप भगवान का पूजन कर रहे हैं तब तक आप परमात्मा के प्रति अथाह स्नेह, अथाह प्रेम भगवान के प्रति रखिए। जब भगवान के प्रति अथाह प्रेम, अथाह मतलब कोई सीमा नहीं, जिस तरह समुद्र के तल की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह आप अपने मन में भगवान के प्रति अथाह प्रेम रखकर और भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का जप कर रहे हैं, या भगवान का जो है तो स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उससे आपके हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। अब आप विचार करें कि मैं भगवान की जो है तो पूजन किया, परंतु आप भगवान की पूजन में बैठे हुए हैं, आपका देह, आपका शरीर तो भगवान की पूजन के लिए बैठा हुआ है, परंतु जो दसों इंद्रियां हैं जो आपके शरीर में, जो मन है, वह आपका भगवान के प्रति नहीं है, कहीं और लगा हुआ है या कहीं और विचरण कर रहा है, कहीं और किसी विषय में ध्यान कर रहा है, सोच रहा है, तो इसका मतलब आपका भगवान के प्रति लगन भगवान के प्रति नहीं है, आपकी लगन उस विचार के प्रति है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति, भगवान का श्रद्धा, भगवान की प्रेम ही आपके इस पूजन की फल की प्राप्ति का जो है तो आशीर्वाद है। मैंने पहले कहा यम यम चिंतते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम्, यम यम मतलब जिस जिस तरह आप मन में विचार करेंगे, जिस जिस तरह मन में आप सोचेंगे, उसी तरह आपको फल की प्राप्ति। चलिए, वास्तु दोष नाना प्रकार की उपद्रवों को शांत करते हैं, आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन वैभव लक्ष्मी फल की प्राप्ति कराते हैं।
आपके बिगड़े हुए कार्य को जो है तो सुलझाते हैं, आप किसी विषय को लेकर डरे हुए हैं उसमें भगवान वास्तु जो है तो आपको जो है तो सपोर्ट करते हैं। और वास्तु पूजन करने से पहले घर में सबसे पहला प्रोटेक्शन हो जाता है, आपके घर की सुरक्षा हो जाती है, किसी की बुरी दृष्टि आने वाली है या आपको कोई बुरी दृष्टि से देख रहा है, इन सब को निवारण करने के लिए भगवान वास्तु का पूजन किया जाता है। चलिए देर ना करते हुए भगवान का वास्तु का संकल्प करते हैं। तीन बार आप लोग बोलेंगे, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, हरि ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः, नमः पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीया प्रार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्व मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पप्रदम चरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गते गंगा तीरे हे दिल्ली ग्रामस्थले हे खुरेजी ग्रामस्थले हे भवन सन्निधो मंदिर देवालय तीर्थे हे ओम से संप्रोक्षेता तास्मान परधावी नाम संवत्सरे हे वैशाख मासे हे शुक्ल पक्षे हे एकादश्यायाम तिथौ हो मोहनी एकादश्यायाम तिथौ उत्तरा फाल्गुनी हस्त उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे हे हस्त नक्षत्रे हे ओम वज्र विष्णु भाद्र कर्णा बुधवासरांदिरे हे कन्या में शिष्य राशि चंद्रे हे वृषभ राशि सूर्य हे यजमानस्य नामनो हम यजमानस्य गोत्र उत्पन्नो हम। आप अपना अपना नाम ध्यान से सुनेंगे और अपना नाम लेते जाएंगे। तो सर्वप्रथम नाम लेंगे उदय स्वामी, पिता जे एम स्वामी, नामनो हम गोत्र क्षत्रिय गोत्र उत्पन्नोहम, द्वितीयो रमन नामनोहम, पिता ब्रजलाल चुक नामनोहम, गोत्र कश्यप गोत्र उत्पन्नोहम, जतिन गुप्ता नामनोहम, पिता एस सी एल गुप्ता नामनोहम, सिंघल सिंह गोत्र उत्पन्नोहम, प्रशांत नामनोहम, पिता श्रीकांत द्विवेदी नामनोहम, गोत्र भरद्वाज गोत्र उत्पन्नोहम, सूरज नामनोहम, पिता वेंकटा रमन मूर्ति नामनोहम, गोत्र कौशिक गोत्र उत्पन्नोहम, अरजीत नामनोहम, पिता ए आर मुखर्जी नामनोहम, गोत्र भरद्वाज गोत्र उत्पन्नोहम, आनंद देसाई नामनोहम, पिता अशोक देसाई नामनोहम, गोत्र अमुक गोत्र उत्पन्नोहम। सभी ने अपना अपना नाम ले लिया, अपना अपना गोत्र बोल लिया। अब मेरे साथ में वर्ड को रिपीट करेंगे, बोलेंगे मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल काम कायिक वाचिक मानसिक संसारिक दुरित तथ्यार्थम श्री परमेश्वर पितरथम मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य सुख शांति अर्थम मम ग्रहे समस्त दोष निवारण अर्थम गणपति पूजन कलश पूजन नवग्रह पूजन षोडश मातृका आत्मन कुलदेवी पूजन महा लक्ष्मी पूजन श्री साम सदा शिव प्रसन्नता पूजन वास्तु दोष निवारण
पूजन मम ग्रहे दैहिक दैविक भौतिक ताप त्रिविध ताप उप ताप समनार्थम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धे अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम मम सकल मनो कामना पूर्ण अर्थम मम ग्रहे वास्तु दोष कार्यालय वास्तु दोष दुकान दोष वास्तु निवारण अर्थम समस्त मनोकामना पूर्ण अर्थम गणपति चरणे संकल्प अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्ति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरे कान्तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु शिव संकल्प मस्तु सिद्धिरस्तु। ओम दिग्रक्षणं मा ओम उपद्रवंदुदे भूताय विभूताय भूषताय भूतमकर्ता हरिसेनन्तु शिवागा प्रकृत भूतानि पिशाच सर्वदुःखां सर्वे सर्वेदां ब्रूदेन सर्वकाम समारभे श्री संप्रोक्ष भूमि ताडयिता नेतुत स्पर्शः श्री संप्रोक्षेता श्री संप्रथमं गणपति संप्रोक्षेता दीप ध्यानम दया संप्रोक्षेता। आपके सामने प्रत्यक्ष दीपक चालो दीपक को नमस्कार कीजिएगा। भो देव देव रूपस्तम कर्म साक्षी हवे निकृत यावत कर्म समापे यावत तुम सुस्थिरो भा। ओम भो दीप नारायण देवताभ्यो नमो नमः प्रातुष्कारं समर्पयामि तिलक कीजिएगा। ओम तिलकम कुर्यातास्तानं समर्पयामि भो दीप नारायण देवताभ्यो नमः प्रत्यक्षम श्री संप्रोक्षेत प्रत्यक्षम दीपकम प्रातरुष्कारं समर्पयामि। आकाश मंडल में सूर्य नमस्कार कीजिएगा। जपा सुकृत संकाश संकाश सपे महादेव तामोरम सर पावन पड़तो श्री दिवाकर हर गतमान सूर्य देवता भूर्म महा प्रातरुष्कारं समर्पयामि। नमस्कारोमि पृथ्वी माता को नमस्कार कीजिए। सियोना पृथ्वी नो भवान चरानि वे सनी चाना सुरुपता पृथ्वी देव आनंद हर कुल बलासना पद्मासना विमलासना अनुमना प्रातरुष्कारं समर्पयामि। नमस्कारोमि श्री संप्रोक्षेत करुण देवता को नमस्कार कीजिएगा। आगमनार्थम ते देवानां गमनार्थ कुकुरक्षका घंटानां देवता भूर्म करुणाय नमः प्रातरुष्कारं समर्पयामि। तिलक कर दीजिएगा। ओम करुण देवता भूर्म तिलकम समर्पयामि अच्युतानि समर्पयामि। शंख देवता को नमस्कार कीजिएगा। ओम पंचजन्याभिमहे पावनाधीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात शंख देवताभ्यो नमः प्रातरुष्कारं समर्पयामि। नमस्कारोमि शंख देवताभ्यो नमः प्रातरुष्कारं समर्पयामि। नमस्कारो मे उत्तरे हनुमते नमः उत्तर दिशा में हनुमान जी महाराज नमस्कार कीजिएगा। तो मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वृष्टम वातात्मजम वारुणोत्तम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ओम उत्तरे हनुमते कष्टभंजनाय नमः प्रातः नमस्कारं समर्पयामि। दक्षिणे काल भैरवाय नमः काल भैरव को दक्षिण दिशा में नमस्कार कीजिएगा। ओम देवराज सेवनानि पावनानि पंकजम व्यालय गुरुसुतबिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगि वंदितम वंदनम चिकास्का पुराणात काल भैरव मजे बटुक भैरव देवता गुरु क्षेत्रपाल देवता भ्रमु नमः प्रातः नमस्कारं समर्पयामि। प्रथमं गणपति हो ध्यानम मा भगवान गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिएगा। ओम गजाननम भूत गणाधिसेवितं कपेदजं भोपलचारुवज्रम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादमंगजं। ओम गणपति देवताभ्यो नमः रिद्धे सिद्धे नमो नमः ध्यानम ध्यानार्थे गंधार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान गणेश जी को आसन दीजिए। पुरखाये वेदं सर्वांजतोजश्च वाव्यवदास जन धन्नातिरुहति गणपति देवताभ्यो आसनम प्रणिधायाः ओम से प्राण प्रतिष्ठन्तोस्य प्राण छन्दोस्य देवात्मार्चय मामेति कश्चन। ओम गणपति श्री देवताभ्यो सुकृष्णे वरदे भवेताम नमः। गणेश जी महाराज को स्नान कराइएगा चार बार। ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि हस्ते वर्गम समर्पयामि मुखे आत्मनियम समर्पयामि मुखे कमलाचमनियम समर्पयामि सर्वांगे स्नानियम समर्पयामि हे श्री संप्रोक्षेतः। गणपति देवताभ्यो नमः स्नान समर्पयामि दासमान वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि भगवान को रक्त वस्त्र चढ़ाइएगा। ओम सुजातो ज्योतिका सहस्रवाद वस्वरूपो गणपति देवताभ्यो नमः वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि हे श्री संप्रोक्षेतः। गणेश जी महाराज को यज्ञोपवीत पहनाइएगा। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम प्रस्ताय शुभक्रम यज्ञोपवीतम परमस्ते जय गणपति देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि तिलकम समर्पयामि भगवान को टीका कीजिएगा। ओम श्री संप्रोक्ष गणपति देवताभ्यो नमः तिलकम समर्पयामि चावल छोड़िएगा क्षण समर्पयामि श्री संप्रोक्षेता पुष्पम पुष्प्रमोद्याम गणपति देवताभ्यो नमः पुष्पम पुष्पमालिकाम समर्पयामि भगवान गणेश जी को पुष्प की माला चढ़ी मात लगाइए। ओम गणपति देवताभ्यो नमः पुष्पम पुष्पमालिकाम
समर्पयामि भगवान को धूप दिखाई, धूपकम दर्शयामि दीपकम दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य हस्त संप्रोक्तेतः हाथ धुल जाइएगा हस्तो प्रक्षालनम समर्पयामि हस्त संप्रोक्तेतः हस्तो प्रक्षालनम समर्पयामि भगवान को भोग लगाइएगा। ओम नाभ्यायासी तंत्रजुं शिष्णो दो सूत्राता लोकान अकल्पयान्ना भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। प्रभु जो भी आप भोग अर्पण से स्वीकार ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा एक बार जल घुमाइएगा। आत्मनियम दुरात्मनियम समर्पयामि हे श्री संप्रोक्तेतः तास्मान हस्तो प्रक्षालनम समर्पयामि हे श्री प्रता भगवान प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ओम आत्मनियम दुरात्मनियम समर्पयामि मुखे कमलात्मनियम समर्पयामि मुख शुद्धार्थे प्राणकमलात्मनियम समर्पयामि संप्रोक्ष्य प्रत्यक्षम फलम अर्पण फल अर्पण कीजिएगा। जहा प्रजाद पुष्टा स्थान मुंजन भगुं हजा गणपति देवता भूम प्रत्यक्षम फलानि समर्पयामि दक्षिणार्पण गिरे हिरण्य गर्भ गभस्तव हे विजा अनंत पुण्य फल मदसान्य प्रेक्षमे दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि भगवान को पान अर्पण कीजिए। पुंगे फलम महादिव्यम नागबलि दरोदम ईरात्युं संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिग्रहितम मा गणपति देवता भूम पुंगे फलानि समर्पयामि श्री संप्रोक्षेतः गणपति देवता भूम नमः पुंगी फलान समर्पयामि दक्षिण द्रव्यम समर्पयामि प्रार्थयिता भगवान गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर जाइएगा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला जगदिदाय नागानाय सुदीर्घ भूषिता गौरेशुता गणनाथ मूर्ति गणपति देवता भूनुन प्रादुष्कारं समर्पयामि बुले गणपति गजानन महाराज की जय। आइए कलस्मरण भगवान का ध्यान कीजिएगा। ओम तत्वा जाम ब्रह्मणा पन्नास्तासे जजमानो हरवे अहिडमानो वरुणे अवधुर संग समानो प्रमोगे कलस प्रण देवताभ्यो नमः प्रादुष्कारं समर्पयामि भगवान कलस को आसन दीजिएगा। पुरगये वेदं सर्वान् दुर्सा शिष्यवाभ्यता जननादि रोहते गणपति कलस प्रण देवता गुरु आसनम प्रीताय अस्य प्राण प्रतिष्ठ अस्य प्राण धनु अस्य देवात्मार्थे मामे तस्य कश्चन कलस प्रण देव समृष्टे वरदे भविताम नमः। स्नान कराइएगा चार बार। ओम पाद्यो पाद्यम समर्पयामि हस्ते और हम समर्पयामि मुखे आत्मनियम समर्पयामि मुखे कमला आत्मनियम समर्पयामि सर्वांग स्नानियम समर्पयामि श्री संप्रोक्षेतः तास्मान वस्त्रोपस्त्रम समर्पयामि। ओम सुजातो ज्योतिका सह सर्ववाद पुष्पैर पुंगक्षम स्वाहा विभावसो ओम कलशंपरण देवताभ्यो नमो नमः। तास्मान श्री संप्रोक्षेतः वस्त्रोपस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीत भगवान दर्शयामि दर्शयामि हस्तो प्रक्षालनम समर्पयामि तास्मान् नाभ्यां समर्पयामि नाभ्यासि तंत्रिक शीर्णो सूत्रा दालोकान् अकल्पयान्ना।